आप सबका मेरे YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं लौकी के छल्ले। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस लौकी को हम छील लेंगे। देखिए, इस लौकी को मैंने छील लिया है और दो भागों में काट लिया है। अब इसके स्लाइस हम बनाते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखिए, हम इसको फाइनली काटते हुए इसी तरीके से छल्ले बनाकर काट लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी लौकी को किस तरीके से सुंदर सुंदर रिंग के रूप में, यानी छल्ले के रूप में काट लिया है। और गैस पर चढ़ाया है मैंने नॉनस्टिक पैन, चाहे लोहे का पैन या तवा, जो भी आप चढ़ाइए। इस पे धीमी आंच पे रखा, सरसों का तेल डाला है और हर एक स्लाइस को अलग अलग दूर दूर तक इसी प्रकार से लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने तवे पे किस प्रकार से इसको अलग अलग लगा दिया है। मैंने तवे पे इस तरीके से इन लौकी के छल्लों को अरेंज करके लगा दिया है। ये बस हमें ये देखना है कि जब तक ये थोड़े सुनहले हो जाएं, फिर हम इसे पलट देंगे। लौकी बहुत ही पौष्टिक होती है और गर्मी के दिनों में तो यूं ही बहुत लाभदायक है। झटपट बनने वाला, बहुत ही स्वादिष्ट, साथ में खाने के साथ में भजिया के रूप में हम इसको खा सकते हैं। देखिए, ये धीरे धीरे सुनहले हो रहे हैं और जैसे जैसे ये सुनहले होते जा रहे हैं, मैं इनको पलटती जा रही हूँ। इन्हें ढकने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद धीरे धीरे गल जाते हैं। ऐसे ही ये बैच तैयार हो जाएगा, तो बाकी बचे हुए छल्लों को भी मैं इसी प्रकार कर लूंगी। चलिए देखिए, इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये दोनों तरफ से गोल्डन है और थोड़ी देर में धीमी आंच पे बनाने पे ये गल जाते हैं। अब इसमें हम मिलाते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, यानी कि छिड़क देते हैं, और काली मिर्च। आपका इच्छा हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन काली मिर्च ज्यादा स्वाद देती है, और थोड़ा सा अमचूर या फिर चाट मसाला। इसका स्वाद आप दाल चावल या रोटी किसी के साथ भी उठा सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार, स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो आप इसी प्रकार मेरा चैनल देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।